कुल्हरिया थाना क्षेत्र के जंगल मांगी में सोमवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को तमंचा सटाकर 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वारदात के बाद अज्ञात बदमाश असलहा लहराते हुए भटहट की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दोपहर तक चेकिंग की, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एडीजी जोन अखिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी घटनास्थल पहुंचकर मौके का मुआयना कर जल्द से जल्द घटना के अनावरण करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, अभी गुलरिया थाना क्षेत्र में बजट चौकी क्षेत्र में एक अयान इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो जनसेवा केंद्र वगैरह जो चलाते हैं, उनके यहाँ 8:30 8:45 के बीच में 3 अज्ञात लोग आए थे, जो मुँह मास्क भी पहने हुए थे और 2 मोटरसाइकिलों से 5 लोग हैं, जो 2 लोग बाहर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। 3 लोग अंदर आए हैं और उनसे असला दिखाकर उनसे लगभग 2 लाख की कैश जो वाजी बता रहे हैं उनसे बैग छीन के उनसे मारपीट करके असला दिखा के चले गए। मौके पर हम लोग जांच कर रहे हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करके उचित धारा जल्द से जल्द इसका खुलासा होगा।